नमस्कार मिशन 24x7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। लगातार पहाड़ों पर हो रही बारिश के बाद अब सायांपुर में गंगा, रामगंगा और बहगुल नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। नदियां खतरे के निशान के पास पहुंच गई हैं, तो वहीं जिला प्रशासन ने भी अपनी सभी तैयारियों को मुकम्मल कर लिया है। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों से सतर्क रहने को कहा है, तो साथ ही नदी किनारे बसे गांव के लोगों को भी सतर्क रहने को कहा गया और कहा गया है कि अपने मवेशियों को नदी किनारे ना जाने दें। खैर, अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन के साथ, उसके बाद में दिखाएंगे आपको सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव पंच तत्व में हुए विलीन। बेटे अखिलेश यादव ने दी मुखाग्नि। पैतृक गांव सैफई में हुआ अंतिम संस्कार। पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार में प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना सहित तमाम मंत्री पहुंचे। पार्थिव शरीर को दी श्रद्धांजलि। पूर्व मुख्यमंत्री के अंतिम संस्कार में सायापुर से पूर्व सपा जिलाध्यक्ष तनवीर खान, समाजसेवी विनय अग्रवाल और पूर्व विधायक रोशनलाल वर्मा भी सैफई पहुंचे। सभी ने मुलायम सिंह यादव को दी श्रद्धांजलि। रोशनलाल वर्मा बोले, मुलायम सिंह यादव के जाने से देश की राजनीति को हुई बड़ी क्षति। भारी बारिश के बाद गर्रा नदी का बढ़ा जल स्तर, नदी के किनारे रहने वाले लोगों की बड़ी धड़कने, अलर्ट पर जिला प्रशासन। और बंडा के सोनासरनाथ मंदिर के पास गोमती नदी का बहाव रुका। कार सेवकों ने जान पर खेलकर पुल के नीचे फंसा कूड़ा हटाकर पुल का रास्ता खोला। बाबा निर्मल सिंह भूरी वालों ने की पहल। भारी बारिश के बाद गर्रा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गर्रा नदी का जलस्तर बढ़ने से पहलेज की खेती पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, जिसकी वजह से सब्जियों के दाम में एक बार फिर से उछाल की उम्मीद है। सितंबर के बाद बारिश न होने की उम्मीद पर किसानों ने पहलेज की खेती शुरू कर दी थी, जिसके बाद अचानक से नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसके चलते पहलेज की फसल अब बर्बाद हो गई है। जलालाबाद में आज श्रम विभाग और चाइल्ड केयर की टीम ने होटल और रेस्टोरेंट पर छापेमारी की। इस दौरान होटल संचालकों में हड़कंप मचा रहा, तो वहीं तीन होटल संचालकों को नाबालिग बच्चों से काम करवाने को लेकर नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा गया है। ये टीम लेबर ऑफिसर घनश्याम वर्मा के नेतृत्व में यहाँ पहुंची थी। गर्रा नदी में लगातार बढ़ रहे जलस्तर के बाद जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने अजीजगंज और ककरा को जोड़ने वाले पुल पर पहुंचकर गर्रा नदी के जलस्तर का जायजा लिया। तो वहीं जिलाधिकारी ने लगातार हो रही बारिश और बढ़ रहे जलस्तर को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि राहत और बचाव से संबंधित सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया जाए। कांड पुलिस ने मुठभेड़ के बाद तीन गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान एक पुलिसकर्मी भी गोली लगने से घायल हुआ है। तस्करों के पास से एक जिंदा पशु और पशु काटने के उपकरण बरामद हुए हैं, साथ ही गौ तस्करों के पास से तमंचा और कारतूस पुलिस को मिले हैं। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि अरुआ खानपुर गाँव के पास कुछ गौ तस्कर मौजूद है, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर तस्करों को पकड़ने की कोशिश की। इस दौरान गौ तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में एक गोली सिपाही ऋतिक तेवतिया के पैर पर लगी। घायल पुलिसकर्मी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने भी शोक संवेदना व्यक्त की है। कैबिनेट मंत्री मुलायम सिंह यादव के पैतृक गांव सैफई पहुंचे। सुरेश कुमार खन्ना के साथ साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित यूपी सरकार के कई मंत्री भी श्रद्धांजलि देने के लिए सैफई गए थे। सिंधौली के मुड़िया मोड़ स्थित ग्लोरियस माइनॉरिटी पब्लिक स्कूल में आज क्राफ्ट और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता विद्यालय की प्रधानाध्यापिका शिखा अवस्थी की देखरेख में संपन्न हुई। इस दौरान बच्चों ने सुंदर कलाकृतियों और आकर्षक चित्र बनाए, जिसमें इकरा अंसारी ने पहला, शशि ने दूसरा और इवाद ने तीसरा स्थान हासिल किया। बेहतर परफॉर्मेंस करने वाले बच्चों को विद्यालय के प्रबंधक आसिफ अली मंसूरी ने पुरस्कृत भी किया।
लगातार हो रही बारिश से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि पिछले कई दिन से जिले में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके बाद अब किसानों की धान की फसल पानी में डूब गई है। किसानों का कहना है कि बेमौसम हुई बारिश से उनको बड़ा नुकसान हुआ है, जिससे अब उबर पाना मुश्किल काम है। तो वहीं किसानों ने सरकार से मुआवजे की गुहार लगाई है। जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने न्यू सिटी ककरा में नगर निगम के निर्माणाधीन कार्यालय के कार्य की प्रगति को देखा। इस दौरान निर्माण कार्य को पूरी गुणवत्ता के साथ और ससमय अवधि में पूर्ण कराए जाने के निर्देश दिए। तो वहीं इसके बाद गर्रा नदी के किनारे नगर निगम कार्यालय के पास के क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट विकसित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई के भी निर्देश दिए। बंडा इलाके में बारिश के पानी से बह रही सड़क को बचाने के लिए कार सेवक आगे आए हैं। दरअसल बीते दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद जगह-जगह पर जलभराव हो रहा है। तो वहीं बंडा इलाके के सुनासर नाथ की ओर जाने वाली सड़क पर गोमती नदी पर बना पुल कूड़ा करकट और झाड़ियां आगे आ जाने के बाद बंद हो गया, जिसके बाद पानी का बहाव रुक गया और पानी सड़क के ऊपर से बहने लगा। जब इस बात की जानकारी कार सेवकों को हुई तो वो स्वयं आगे आए और जान को खतरे में डालकर बंद पड़े पुल को खोला, जिसके बाद पानी का तेज बहाव पुल के नीचे शुरू हो गया। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर समय रहते पुल को ना खोला जाता तो सड़क बह सकती थी। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद आज कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद भी सैफई पहुंचे। यहां उन्होंने नेताजी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर शोक संवेदना व्यक्त की। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव का कल गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया था, जिसके बाद आज उनका अंतिम संस्कार सैफई में किया गया। लगातार हो रही बारिश से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। खुदागंज में गर्रा नदी पर बने मझिला पुल के आसपास के इलाकों में सैकड़ों बीघा धान और बाजरे की फसल नष्ट हो गई है। किसानों का कहना है कि उनकी फसल अब नहीं बच पाएगी, क्योंकि गर्रा नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। कांड क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य पिंटू यादव भी सैफई पहुंचे। पिंटू यादव ने मुलायम सिंह यादव को पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सायापुर पुलिस का धरपकड़ अभियान लगातार जारी है। पुलिस ने बीते 24 घंटे में 25 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से अवैध असलाह कारतूस सहित भारी मात्रा में कच्ची शराब बरामद हुई है। तो वहीं पुलिस ने 9 वांछित अपराधियों को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा है। तेलहर से पूर्व विधायक रोशनलाल वर्मा और समाजसेवी विनय अग्रवाल भी सैफई पहुंचे। यहां विनय अग्रवाल और पूर्व विधायक रोशनलाल वर्मा ने मुलायम सिंह यादव को श्रद्धा सुमन अर्पित कर दुख व्यक्त किया। रोशनलाल वर्मा ने कहा कि मुलायम सिंह यादव का यूं चले जाना देश की राजनीति के लिए बड़ी क्षति है, जिसे कभी पूरा नहीं किया जा सकता। जिला पेयजल और स्वच्छता समिति की आज एक बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने की। इस दौरान जिलाधिकारी ने जल जीवन मिशन के कार्यों को गुणवत्तापूर्ण और समय से पूरे किए जाने के निर्देश दिए, साथ ही लोगों को स्वच्छ पेयजल का प्रयोग से फायदों के बारे में भी जागरूक करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए मुलायम सिंह यादव के यूं जाने को बड़ी क्षति बताया। उन्होंने कहा कि अंतिम संस्कार में मौजूद जनसैलाब उनके क्रियाकलापों को बता रहा है, इसको देखकर और उनके दर्शन कर सारी चीज़ों का अंदाजा लगाया जा सकता है। उनके क्रियाकलाप, उनकी हमदर्दी वाला व्यवहार और उनका जुझारू और संघर्षशील व्यक्तित्व को प्रदेश की जनता समझती है और हम समझते हैं। उन्होंने कहा कि ये क्षति जल्द भविष्य में पूरी नहीं होगी। ये सैलाब बता रहा है, उनके क्रियाकलापों का प्रतिबिंब है, इसको देख के ही, इसको दर्शन करके ही सारी चीज़ों का अंदाजा लगाया जा सकता है। उनके क्रियाकलाप, उनकी हमदर्दी वाला व्यवहार और उनका जुझारू और संघर्षशील व्यक्तित्व, ये बहुत बड़ी प्रदेश की क्षति है और हम समझते हैं कि ये नियर फ्यूचर में इसका पूरा होना मुश्किल है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद जलालाबाद विधानसभा क्षेत्र से बड़ी संख्या में सपा समर्थक सैफई पहुंचे और मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि यहां प्रदेश सचिव रामवीर सिंह सोमवंशी और पूर्व जिला पंचायत सदस्य सूरजपाल सहित पूर्व विधायक नीरज कुशवाहा भी सैफई गए थे।
सपा संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उनके समर्थकों में शोक की लहर है। तो वहीं तेलहर में नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष अहमदुल्ला खान के आवास पर मुलायम सिंह यादव को आज श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर सपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश सचिव अनवरुल्ला खान भी मौजूद रहे, जिन्होंने मुलायम सिंह यादव के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तेलहर से विधायक सलोना कुशवाहा भी मुलायम सिंह के अंतिम दर्शनों के लिए सैफई पहुंची। सलोना कुशवाहा ने पहुंचकर मुलायम सिंह यादव को श्रद्धा सुमन अर्पित कर संवेदना व्यक्त की।